दोस्तों देखो, आज हम अंडापुरी जा रहे हैं। ये मेरे भाई है, छोटे भाई कजिन, और ये भी दूसरा कजिन। देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं हम। विक्की, कुछ कहना चाहते हो भाई आप? दोस्तों ये एथलीट है, 100 मीटर का। ये उसेन बोल्ट का भाई है, तो आने वाला उसेन बोल्ट है ये। दोस्तों देखो, हम पूरा ट्रैकिंग पे हैं आज। इट इज 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम आवर होम टाउन एंड वी आर ऑन द वे। तो दोस्तों देखो कितना मजा आ रहा है यहाँ पे। आप देख सकते हो मेरे छोटे भाई मेरे साथ है दोनों ही। ये देखो काफी मजा आ रहा है यहाँ पे, और हमको तो गर्मी लग रही है जींस से। दोस्तों देखो खड़ी पहाड़ पर चढ़े हैं, और धूप आ गई है काफी। 8:19 हो गए हैं, और देखो कितना मजा आ रहा है। और यहाँ पर हल्ला गुल्ला कर रहे हैं हम। दोस्तों देखो हम ट्रैकिंग पे हैं आज। कहाँ जा रहे हैं दोस्तों? बांडाखोली जा रहे हैं, और ये कजिन है मेरे। और देखो कितना मजा आ रहा है यहाँ पर। एरिया देखो कितना शानदार है, ये जस्ट गुनागरी से नीचे का एरिया है। और देखो कितना शानदार व्यू है, काफी एंजॉय कर रहे हैं हम। और इस टाइम 8 बज रहे हैं, सुबह से निकले हुए हम 6-7 बजे, और काफी मजा आ रहा है यहाँ पर। कितने किलोमीटर हम तय कर चुके हैं? अरे शाओ जाओ, अभी नहीं खत्म हो रहा हूँ। देखो दोस्तों लोमड़ी देखो दोस्तों, वो है दो लोमड़ी वो देखो, और वहां देखो भाग रहे हैं। आवाज कैसे निकालनी है भाई? आवाज निकालो इन्हें। और देखो भालू वाले जंगल में जा रहे हैं, हमारे साथ बने रहिए। आपको भालू का भी दिखाएंगे। तुम्हारी पेड़ से ना। दोस्तों देखो कितना बड़ा पहाड़ है पत्थर का, और काफी एंजॉय कर रहे हैं हम। देखो कितना व्यू, अच्छा व्यू है यहाँ पे, और यहाँ से आप देख सकते हैं कितना टॉप पे हैं हम। और ये काफी सी लेवल से बहुत ऊपर है, और देखो एग्जैक्टली आई डोंट नो हाउ मच फार इट इज फ्रॉम सी लेवल। तो दोस्तों ये देखो भाई भी मेरे साथ है, और काफी एकदम इतना शानदार वेदर है आप पूछो मत। पूरा बारिश का मौसम बना हुआ है, लेकिन अभी बरसात हो नहीं रही है। और देखो मेरे पीछे बैकग्राउंड एरिया, इस टाइम थोड़ा बादल लगे हैं तो आप देख नहीं सकते क्लियरली, और बाकी आप देखो कितना अच्छा है यहाँ का एरिया, शानदार व्यू है यहाँ पे। ये पेड़ देखो किसी चीज़ का फल है, और ये मेरा कजिन है। और ये देखो कितना शानदार व्यू है, ऐसे जगह पे क्या है तेंदुए बाग वगैरह भी रहते हैं। और यहाँ पर देखो ये दुनागरी है, नीचे का एरिया है, और यहाँ पर घर भी है। और देखो हमारे सामने ये एक शानदार घर है, और काफ़ी अच्छा वेदर है यहाँ का, काफ़ी अमेजिंग व्यू है। देखो कितना बढ़िया व्यू है यहाँ का। आप कहाँ से है रास्ता? सीधे यहाँ से, यहाँ से सीधे। दोस्तों हम जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। देखो अच्छा, पैदल आओ, पैदल आओ, पैदल आओ।
गाड़ी उस मन में है जंगो जंगो बटा मार दी कोई क्यों माइक माइक नो जस्ट सो लो ये बरसाती टैंक लोगों ने पानी स्टोर कर रखा है और ये देखो एरिया यहाँ ये देखो जहरीला बिच्छू है ये काफी तेज लगता है शायद पॉइजन है इससे शायद मेडिसिन बन सकती है पॉइजन की और पॉइजन किल्स पॉइजन देखो दोस्तों ये दुनागरी का एरिया है देखो कितने टॉप पे है ये और यहाँ से देखो कितना शानदार व्यू है देखो देखो कितना शानदार व्यू है देखो कितना शानदार व्यू है देखो पांडाखोली के नीचे का एरिया एंड यहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा है और यहाँ पर जंप करना जरूरी है मिलते फट तो नहीं है बच गए चुके और देखो दोस्तों कितना शानदार व्यू है यहाँ पर पांडाखोली का और अभी एग्जैक्ट 9:35 हुए हैं हम सुबह 6 बजे से चले हुए हैं और देखो कितना शानदार व्यू है यहाँ पे बादल लगे हुए हैं और काफ़ी शानदार एरिया है यहाँ का देखो ये है पहाड़ कितना ब्यूटीफुल पहाड़ है अपना आप देख सकते हो दोस्तों ये देखो बारिश का भी मौसम बना हुआ है और इसको वैसे हॉल कहते हैं हमारे लैंग्वेज में लोकल लैंग्वेज में देखो कितना बढ़िया व्यू है कहाँ देखो कितना बढ़िया एरिया है यहाँ का बहुत ही सुंदर और चलते रह रहे हैं ये मेरा ब्रदर है बड़ा भाई दादा और इस टाइम दादा घर आए थे छुट्टी में तो मन किया घूमने को घूम लिए ये पांडाखोली जाएंगे हम अभी काफ़ी है दूर है अभी जाना है हमको और इतना अच्छा व्यू है यहाँ का जंगल जंगल है रास्ता आते रहते हैं लगभग इस बार भाई के साथ ही सही तो बहुत मजा आ रहा है हमको यहाँ पे चलते हुए
दोस्तों देखो कितना बढ़िया आज व्यू है, और यहाँ पे देखो एक पानी की आस लगी है यहाँ पे, फिर भी आस लगी है दिल में, फिर भी दीवाना। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंचने वाले हैं पंडोकुली, एंड दिस टाइम वी आर ऑन द वे। काफी इंजॉय किया दोस्तों, और काफी पैदल चले आज, सुबह 6 बजे से चले हुए हैं, और गाड़ी हमें गाड़ी बुक की थी आधे रास्ते से हमने, बाकी वो हमें पंडोकुली के नीचे जहाँ पर रोड है वहाँ तक उसने हमें ड्रॉप किया, और उसके बाद हम अपने डेस्टिनेशन की ओर चल दिए हैं। एंड आप देख सकते हैं कितना पसीना आया है, देखो पड़ी कपड़े सारे गीले हो गए, और काफ़ी स्वेटिंग है, पूरे बॉडी में स्वेटिंग है, देखो फेस देखो आप, और काफ़ी एक्सरसाइज हो गई आज, काफ़ी बढ़िया ट्रैकिंग रहा अपना। और बाकी पंडोकुली हम पहुँचने वाले हैं वेरी सून, वी विल रीच एट पंडोकुली, एंड वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट टू एंजॉय देयर, एंड आई रियली लव टू गो सच टाइप ऑफ टूर विद फ्रेंड। जय भोले भोले बाबा बाबा, जय भोले के। ओ मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, भोले नाथ रे, ओ मेरे नाथ रे। तो दोस्तों ये पहला गेट आ गया है पंडोकुली का, और देखो हम पहुंचने वाले हैं। बम बम भोले, ओ नमः शिवाय, 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 ओ नमः शिवाय। तो दोस्तों फाइनली We have reached at पंडोकुली, हम भोले की नगरी पंडोकुली में पहुंच गए हैं, और ये देखिए ये दूसरा गेट है इसका, और काफी अच्छी फीलिंग है यहाँ पर, देखो कितना अपने भोले के भक्त हैं हम, और यहाँ पर पहुंच गए हैं। ओम ओम गुरुवे नमो। मान्यवर अगर आप शराब पीकर या लेकर आ रहे हैं तो कृपया लौट जाइए, क्योंकि आश्रम में आपको ठहरने के लिए जगह नहीं मिलेगी। सो दोस्तों ये है यहाँ के जो डायरेक्शन है, इनको हमेशा फॉलो करिए, और बाकी अच्छी बात भी है, क्योंकि ऐसे जो क्या कहते हैं, ऐसे जहाँ पे लोगों की आस्था है, अगर ऐसी जगह पर आप ऐसी हरकतें करते हैं तो काफ़ी दयनीय है, वो काफ़ी सोचनीय है, और काफ़ी मज़ा आ रहा है। देखो अपने भोले बाबा के पास, और देखो ये है यहाँ का पंडोकुली का व्यू, देखो दोस्तों ये पंडोकुली का व्यू। दोस्तों ये कम से कम 3-4 हज़ार मीटर मींस 3 और 4 किलोमीटर अवे फ्रॉम सी लेवल। सो दोस्तों देखिए आप कितना बढ़िया व्यू है यहाँ पे, और कितना शानदार व्यू है पंडोकुली का, बादल छाए हुए हैं, और भगवान भोलेनाथ की कृपा है कि यहाँ पे देखो हमें धूप नहीं मिली, नहीं तो धूप में बहुत दिक्कत होती, और पूरा छाया था पूरे रास्ते भर, और काफ़ी भूख भी लगी है हमें, क्योंकि इतना हाँ दोस्तों अगर धूप भी होती ना तो जहाँ पे ऐसा प्लेन एरिया है जहाँ पर पेड़ पौधे हैं नहीं वहाँ पर लगती, लेकिन पूरा जो है ये बगीचा यहाँ पे जो भी बागान है पूरा उससे बांस के पेड़ से कवर्ड है, तो इतनी धूप लगती नहीं। बाकी दोस्तों देखो यहाँ पर कितना शानदार व्यू है, रहने लायक जगह है। निक्की देख मेरी बना तो वीडियो अच्छी आ रही है। तो दोस्तों हम पंडोकुली पहुंच गए हैं, और काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे, और देखो दोस्तों कितना शानदार व्यू है, और ये है पंडोकुली, और यहाँ पर ये जो सीनरी है यहाँ की आप देखिए पूरा कितना शानदार व्यू है यहाँ। और देखो आज काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ मैं, और हम आए थे 2018 में, आई केम विथ भोपाल माई बेस्ट फ्रेंड, एंड दिस टाइम ही इज नॉट विथ अस। सो दोस्तों काफ़ी वी आर लिटरली इंजॉइंग है, और काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे, और देखो कितना बढ़िया व्यू है। मौसम काफ़ी ठंडा है यहाँ पे, आपको जैकेट की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, और वैसे का भी गर्मियों का टाइम है, लेकिन काफ़ी बढ़िया वेदर है। निक्की एक बार पंडोकुली को देखा मंदिर को,
और दोस्तों यहाँ देखिए कितना बढ़िया है, ब्लॉगिंग के लिए बहुत शानदार एरिया है ये। और देखो कितना बढ़िया व्यू है, और देखो भोलेनाथ की कृपा है, और काफ़ी मज़ा आ रहा है दोस्तों। कितना शानदार व्यू है, एक बार देखिए आप। और जय हो, 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 जय हो। दादा यही लाइट दिखती है वो धार में से लाइट दिखती है जो। दोस्तों देखो ये है पांडव खोली अपना, बोले बम 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 बम, बोले बम बम, बोले। देखो दोस्तों हम पहुंच गए, ये शिवजी का ही मंदिर है ना। कौन पांडव खोली ना, तो पांच पांडव भाई हैं जो। अच्छा, पांडव खोली पांच। दोस्तों बेसिकली ये पांच पांडव जो है उनका मंदिर है, और बाकी भोले का भी मंदिर है, यहाँ पे साईं बाबा का भी मंदिर है। और देखो हम पहुँच गए हैं अपने पांडव खोली, देखो कितना दूर है सी लेवल से। और अभी आपको थोड़ी देर में मैं उस साइड का व्यू दिखाऊंगा इसके बैक साइड का, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ। बिल्कुल हाजिर है वो तो हमारे लिए। जोत खोल लेते थे दोस्तों, ये हमारे साईं बाबा का मंदिर है, और देखो कितना शानदार व्यू है जय साईं बाबा की। और जो साईं भक्त हैं आपने हम मंदिर पर दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों फाइनली हम पूजा करने वाले हैं यहाँ पर। तो दोस्तों हम देखो पांडव खोली हैं यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, देखो वेदर कितना शानदार है यहाँ। और ये काफ़ी मंदिर है, और ये शिव जी का त्रिशूल है दोस्तों। ओम नमः शिवाय, बम बम बोले। और देखो कितना बढ़िया व्यू है यहाँ पांडव खोली का, और काफ़ी खुशनसीब हूँ मैं जो मेरे को मौका मिला यहाँ पे आने का। और मैं बहुत आभारी हूँ अपने देवता भगवान का, और काफ़ी भोलेनाथ की कृपा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है दोस्तों। देखो आप कितना शानदार व्यू है यहाँ पर, ये पांडव खोली पूरा। और यहाँ पे जब महाभारत से पहले पांडवों का मंदिर है यहाँ पे, यहाँ पर पांडव आए थे, और ये हैं पांच पांडव। इसमें सबसे बड़े युधिष्ठिर, फिर अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, पांच पांडव हैं। और ये देखो कितना शानदार व्यू है यहाँ पे। और यहाँ के मैं जो भी बाबा हुए हैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, कितनी सफाई इन्होंने यहाँ पर मेंटेन की है, काफ़ी अप्रिशिएट करता हूँ मैं उनको। और काफ़ी सारे वृक्ष भी है यहाँ पे, फूल भी है, और काफ़ी अच्छा मनोरम दृश्य है यहाँ पे। और ये देखो कितना शानदार व्यू है, यहाँ पे फूल तोड़ना मना है, लेकिन ये यहाँ पे देखो कितना बढ़िया बाबा का व्यू है। और ये देखो भोलेनाथ की कृपा है यहाँ पे, ये देखो भोले नाथ का मंदिर है, शिवलिंग है ये, और ये बादाम का पेड़ है यहाँ पे। देखो कितना शानदार व्यू है यहाँ पे, और काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे। देखो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और मौसम भी बहुत कोल्ड है यहाँ पे, काफ़ी ठंडा वेदर मौसम है। और देखो कितना बढ़िया पेड़ पौधे, कितनी अच्छी मेंटेनेंस है यहाँ पे। और हम लोगों को ऐसी जगह हमेशा सफाई रखनी चाहिए, और अपने जो प्राचीन इतिहास है, हमारी हिस्ट्री है, जो हमारे प्राचीन जो आर्कियोलॉजिकल चीज़ें हैं हमारी, वो हमें सेव अपने उनको कंजर्व करना चाहिए। तो दोस्तों देखो कितना बढ़िया वेदर है यहाँ पर, ये है घंटी यहाँ पर पूरे
घंटियां घंटियां हैं। और ये है नंदी, शिव जी का बैल, गाय जो है मतलब शिव जी की नंदी। और ये है अपने भोले भोले, ये है ओनर भोले। और ये है अपने माता पार्वती और भोलेनाथ। दोस्तों काफ़ी शुक्रगुजार हूँ मैं भोलेनाथ का पकड़ना। और देखो ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमर्दनं नित्यमोक्षीय मामृतां। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमर्दनं नित्यमोक्षीय मामृतां। ओम त्र्यंबकं सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमर्दनं नित्यमोक्षीय मामृतां। ओम त्र्यंबकं सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमर्दनं नित्यमोक्षीय मामृतां। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमर्दनं नित्यमोक्षीय मामृतां। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमर्दनं नित्यमोक्षीय मामृतां। ओम त्र्यंबकं यजामहे पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमर्दनं नित्यमोक्षीय मामृतां। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमर्दनं नित्यमोक्षीय मामृतां। ओम नमः शिवाय। तो ये है साईं बाबा मंदिर, ये पूरा पांडव खोली है। और देखो कितना अच्छा व्यू है यहाँ का, ये कितना बढ़िया यहाँ पे व्यू है। और कितना अच्छा यहाँ पे कुटिया सी बनाई हुई है और काफ़ी अच्छे बाबा नहीं है क्या यहाँ पे, आप एक दो है ना। और देखो दोस्तों कितना बढ़िया शानदार इन्होंने एरिया, कितना क्लीन है यहाँ का और काफ़ी अच्छा है। इनको काफ़ी जो भी यहाँ बाबा रहते हैं और जो भी इसकी रखवाली करते हैं ये लोग सराहनीय है, इनको अप्रिशिएट करना चाहिए हम लोगों को। और यहाँ पर सारी फैसिलिटी है और यहाँ पर बैठने की भी फैसिलिटी है और काफ़ी बढ़िया व्यू है दोस्तों, काफ़ी अच्छा है। देखो कितना शानदार व्यू है ये, देखो यहाँ से आप यहाँ चढ़ के आप व्यू देख सकते हो। और ये माउंटेन का ही एक चेन है। और देखो दोस्तों पूरा पांडवखोली का दर्शन है, ये दिखाता हूँ दोस्तों आपको पूरे पांडवखोली का, कितना अच्छा व्यू है यहाँ का। निकी दो चार फोटो खींच यार, ले पहले वीडियो बना मेरी, इसको ही कंटिन्यू रख, वीडियो छोड़ जल्दी जा वहाँ से जा। देखो पहले ये देखो प्रसादी तो चला नहीं हमने, दोस्तों काफ़ी मौसम भी अच्छा, वेदर है और काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं हम। और देखो इतना बढ़िया, चले भाई चलो उसमें, तो दोस्तों ये है सीढ़िया यहाँ पर चढ़ने का है और शायद सीढ़ी आप चढ़ने लगी है यहाँ पे। और देखो दोस्तों हम चढ़ते हुए जा रहे हैं इसके ऊपर, देखिए खराब तो नहीं है, आराम से बस बाकी कुछ नहीं है। तो दोस्तों देखो हम चढ़ रहे हैं यहाँ पे, आजा आजा आराम से, काफी अच्छा व्यू है यहाँ से आप देख सकते हैं। भाई आराम से आना,
दोस्तों आप चारों तरफ का व्यू देख सकते हैं, कितना शानदार व्यू है। ये देखो इस साइड, यहाँ से स्टार्ट करो निक्की, और यहाँ देखो कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे माइंड इतना कूल है कि पूछो मत, पूरा स्ट्रेस फ्री। अगर आप स्ट्रेस रहे तो यहाँ पे आपके पूरा स्ट्रेस खत्म हो जाता है आपका। सो दोस्तों बाकी मैं आपको व्यू दिखाता हूँ पांडाखोली का, कितना शानदार व्यू है। देखो ये, देखो ये कुटिया है, कितना मनमोहक दृश्य है यहाँ का। और ये है देखो, और ये रहने के लिए है, आप यहाँ पे आके रह सकते हो। और बाकी यहाँ पर आपको कुछ फॉलो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे कि ड्रिंक डोंट स्मोक हेयर एंड एनी टाइप ऑफ वल्गर एक्टिविटी यू कैन नॉट डू हेयर एंड दिस प्रोमिसेस। सो वेन एवर यू विजिट दिस प्लेस, डोंट टेक एनी टाइप ऑफ अनयूजुअल थिंग विथ कोई भी दोस्तों। जब भी अगर आते हैं कभी भी ऐसी कोई गंदी चीज़ यहाँ पर लेके मत आइए, और ना ही यहाँ पे अल्कोहल वगैरह ड्रिंक करिए। यहाँ पे आप आइए और दर्शन करिए, बाकी मंदिर है, ये टेम्पल है, लोगों की आस्था है, तो ऐसी जगहों पे आप नीच हरकतें मत करिए। और देखो कितना शानदार व्यू है दोस्तों। दोस्तों देखो कितना शानदार व्यू है, देखो ये पांडाखोली है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आज अभी मौसम ख़राब है पूरा, बाकी बहुत अच्छा मौसम है, बारिश हो नहीं रही है, ये बड़ी बात है। और काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ के, देखो कितना हम कितने हाइट पे अभी चढ़े हुए हैं देखो। और देखो दोस्तों, और देखो कितना दूर है वो एरिया, देखो हम कितना दूर है रोड साइड से, देखो वो डाउन में बहुत दूर है यहाँ से। ये
अब हम अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे और काफी अच्छा रहा जब पांडाकुली देवता की और भगवान हमेशा मनोकामना पूरी करना। जय पांडाकुली देवता की, भगवान सबकी मनोकामना पूरी करना। जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं कोई खाली हाथ ना लौटे और भगवान सबकी मनोकामना पूरी करना। इसी संकल्प के साथ हम दोबारा आएंगे ज़रूर और भगवान सभी की मनोकामना पूरी करना और मेहनत करने के लिए हमें हमेशा तत्पर आगे रखना। पहाड़ के युवाओं को रोजगार देना और बाकी यहाँ के युवाओं को सद्बुद्धि देना। ओम नमः शिवाय। जय पांडाकुली देवता की। ओम नमः। दोस्तों फाइनली अब हम जाने वाले हैं, हम डिपार्चर होंगे अपने घर की ओर प्रस्थान होंगे अब। और यहाँ पर देखो कितना शानदार कुटिया थी और काफ़ी अच्छा लगा पांडाकुली। यहाँ पर जिसने भी इसकी मेंटेनेंस करी है, यहाँ पर जितने भी सेवादार हैं, साधु वगैरह हैं, मुनि बाबा वगैरह, उन सब का हम शुक्रगुजार करते हैं कि इतना बढ़िया नीट एंड क्लीन एरिया रखा। और जय साईं बाबा की और जय भोलेनाथ की, शिव जी और पांडव जो पांच भाई थे महाभारत के लड़ाई में जो धर्म की जीत हुई थी, काफ़ी उनका दर्शन करने को मिला। और देखो दोस्तों ये हमारी पुरानी विरासत है, इसको संभाल के रखिए। और आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल मेम्बर्स ऑफ पांडाकुली टेम्पल एंड सीरियसली यू मेड माई डे टू डे एंड रियली। और देखो दोस्तों हमको एक नाग भी मिल गया यहाँ पर, ये देखो, देखो दोस्तों नाग का बच्चा भी मिल गया इस मंदिर में और बम बम भोले। और देखो ये बच्चा है नाग का। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भोले ये पकड़ो पकड़ो मैं इसको भाई ना। दोस्तों देखो मंदिर में हमको एक सांप भी मिला यहाँ, देखो दोस्तों टच किया आपने, देखो देखो दोस्तों गया अड्डी के अंदर। और देखो नाग देखा आपने कितना अच्छा था, मैंने टच भी किया था, काफी मजा आया दोस्तों। और चलो चले और ये देखो ये रखवाली करते दोस्तों, ये डोंगू है डोंगू डोंगू। इसको प्रसादी दे देना थोड़ा है क्या, हमें डोगू नहीं करे थे छोटे हुए ना, नहीं गलती कर दिया हमारा दूसरे ले गया था मुझे। दोस्तों कुत्ते वफादार होते हैं। तो देखो हम पांडाकुली गए हैं, यहाँ पर एक डॉग पालक है, देखो कुत्ते वफादार होते हैं। अब देखो ये नमन हमें प्रणाम करेगा और नमो नारायण करो, शाबाश, एक बार आओ शाबाश, एक बार आओ शाबाश, अच्छी बार। दोस्तों देखो कितना क्यूट है ये डॉग को। तो दोस्तों ये है पांडाकुली के बैक साइड का एरिया, इस टाइम धूप आ गई है और थोड़ा आसमान खुलने लगा है। देखो नीचे खाई इतनी डीप में गहरी है, Oh, 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 oh
तो देखो हम कितनी ऊंचाई पर अभी, और देखो नीचे कितनी खाई है, जो समुद्र लेवल है नीचे, समुद्र तल बहुत नीचे है, और देखो कितना पहाड़ है चारों तरफ, और इस टाइम हरियाली है चारों चारों तरफ, और देखो इस टाइम अभी बादल है तो इस वजह से आप क्लियर नहीं देख पा रहे इसमें, और क्लैरिटी कम है, और देखो कितना शानदार व्यू है दोस्तों, देखो नीचे कितनी गहरी खाई है, देखो 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 दोस्तों, और काफ़ी मज़ा आया हमको, और पांडा खोली हमने आज इंजॉय किया, और ये देखो खाई कितनी अच्छा लग रहा है। अब हम अपने घर की ओर जा रहे हैं, मैं और मेरे कज़िन, और देखो बहुत इंजॉय किया हमने, काफ़ी कुछ हमें अच्छा मिला, और काफ़ी जंप 1 2 3 जंप क्या वहाँ जाते थे। और दोस्तों देखो हम पंडोपुली से अब जा रहे हैं, अपने डिपार्चर हो रहे हैं, और देखो कितना मज़ा आ रहा है यहाँ पे, घूम रहे हो दोस्तों, यहाँ पर वाइब्रेशन होगा पूरा, यहाँ पर लंगूर भी है दोस्तों, हम जा रहे हैं आप घर में आप, और हम होते हैं भल्ला गोया अभी, मतलब सही पहाड़ी ब्लॉक है दोस्तों। देखो हम पांडा खुली से आ गए हैं, काफ़ी दूर था, काफ़ी थक भी गए इस टाइम, और देखो कितना शानदार व्यू है यहाँ का, और आप देख सकते हो कितने सारे घर हैं यहाँ पर, काफ़ी दूर दूर है, और काफ़ी अच्छा लगा। निकी ये है पानी की टंकी, इसमें है क्या पानी, दोस्तों देखो कितना शानदार व्यू है, ये दुनागरी का व्यू है, तो कुछ ना दुनागरी, और मजा है यहाँ पे। सुबह जाते टाइम दोस्तों मौसम बहुत अच्छा था, और बादल छाए हुए थे, बारिश तो हुई नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छा रहा जाते टाइम, काफी पसीना तो आया, लेकिन इतनी धूप नहीं लगी, इस टाइम थोड़ा धूप भी है, और अब मौसम खुलने लगा है, और आप देखिए ये कितना शानदार व्यू, पांडा खोली टू दुनागरी, ये देखो इस कितना अच्छा व्यू है, ये देखो देखो, एंड वी आर ऑन द वे टू आवर्स होम, काफ़ी मज़ा आया दोस्तों।